हम मौजूद हैं हरियाणा के शाहबाद की नई अनाज मंडी में। योगेंद्र यादव हैं और आप भी कन्याकुमारी से पैदल चलते चले आ रहे हैं। इस तरह की कई यात्राएं हमारे देश में हुई हैं, रथ यात्रा हुई है, बस यात्रा हुई है और बड़ी बड़ी बसें बनती थीं एयर कंडीशन, फिर उसमें से ट्रॉली निकल के नेता बाहर आते थे। इन सब यात्राओं के तमाम अनुभवों को लेकर लोग कई तरह के आशंकित भी हैं और वो आशंकाएं जायज़ भी हैं। एक तो चुनाव परिणाम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल चुनाव परिणाम से नहीं है। मान ही लेते हैं कि चलिए हार गई है कांग्रेस पार्टी, जैसे लोगों ने मान लिया है तो ठीक है, पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये यात्रा कांग्रेस को बदल रही है, ऐसा आप देख पा रहे हैं? रवीश, मुझे अच्छा लगा कि आपने सिर्फ चुनाव के परिणाम की बात नहीं की, क्योंकि हमारे जैसे लोग, देखिए मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, मैं तो आराम से अपनी संगठन का बिल्ला लगा के चलता हूँ इस यात्रा के अंदर। तो मेरे जैसे लोगों के लिए यात्रा क्यों है? हमारे लिए सिर्फ एक और एक मकसद है, बाकी सब गणित वणित सब कुछ अलग चीज़ है। वो ये है कि इतने वक्त से इस देश में हर दिल पे नफरत और दिमाग पे झूठ, इसकी जो चादर बनी चढ़ी हुई है, उस चादर को उतारना इस यात्रा का मकसद है। कम से कम जिस कारण से हम लोग जुड़े हैं, बाकी कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले में कोई अपनी मन्नत मानने भी आता है, कोई आस्था के लिए आता है, कोई दुकान के लिए भी आता है, सब तरह के लोग होंगे। हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, और इस 115 दिन में मैं नहीं कहूँगा कि ये झूठ और नफरत की दीवार टूट गई है, बहुत बड़ी है और बहुत समय लगेगा इसे पूरा तोड़ने में, लेकिन इसमें एक छेद हो गया है, छेद हुआ है साहब, और इससे एक रोशनी की किरण आनी शुरू हुई है। दूसरी बड़ी चीज़ जो हुई है कि बीजेपी वालों ने एक बड़ा पोस्टर बनाया था, जिस पोस्टर से वो अपने सारे पाप ढक देते थे, और वो पोस्टर था पप्पू, वो पोस्टर फट गया है। अच्छा। वो पोस्टर फटने से क्या है कि अब जितने भी पाप ढके हुए थे वो दिखने शुरू हुए हैं। और मैं शुरू में ही आपको बोल दूं, इस यात्रा का असली काम 31 जनवरी के बाद शुरू होगा। इस यात्रा का लक्ष्य ना तो दिल्ली था और ना ही इसका गंतव्य श्रीनगर है। इस यात्रा का गंतव्य होना चाहिए इस देश का हर आखिरी दरवाजा, हर दिल पे दस्तक देना, ताकि बस एक चीज़ मेरे लिए इस यात्रा की सफलता का एक पैमाना है, आज नहीं होगा 10 साल बाद भी हो जाए, इस देश का हर आदमी झूठ को झूठ बोलना शुरू कर दे और नफरत को ना कहना शुरू कर दे, बाकी सब होता रहेगा, सीट वोट सब। योगेंद्र जी, आपने कहा कि वो पोस्टर फट गया पप्पू वाला, लेकिन उसके लिए कई बार राहुल गांधी भी इस तरह के संकेत देते थे, छुट्टियों पे चले जाते थे, उनकी ही पार्टी के जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए वो चले गए, हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए, तो सबको एक पार्टी में अलग अलग कारणों से टूट कर चला गया। तो ये देखा जाना गलत भी नहीं था कि उनका पार्टी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है, नेतृत्व में उतना दम नहीं है। क्या वो नया पोस्टर कांग्रेस के भीतर बन रहा है? एक पोस्टर जो बीजेपी ने बनाया वो फट गया, ठीक बात है, लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को लेकर कोई नया पोस्टर बना है? रवीश, फिलहाल मैं बहुत ही सीमित बात कर रहा हूँ। पोस्टर क्यों बना था, क्यों टिका था, मुझे नहीं पता। वो हम सब जानते हैं क्यों टिका था, और हर झूठ में कहीं ना कहीं एक राई सच जरूर होता है, और वो पोस्टर के बदले नया पोस्टर कैसे बनेगा फिलहाल कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन ये जरूर है कि वो जो पुराना पोस्टर था उस पप्पू में तीन पक्ष थे। अय्याश है, 3 दिन चल नहीं सकता। जब मैं यात्रा के लिए चलने निकला ना, मेरे एक साथी ने कहा, योगेंद्र जी आप तो सड़क पे चलते रह जाएंगे, देखना 4th दिन हेलीकॉप्टर पकड़ के चल देगा और आप सड़क पे रह जाओगे, आपका तो ये हाल है। तो अय्याश मानते थे, अब 115 दिन के बाद ये तो हो नहीं सकता। आपको लगता है कि वो आसान नहीं थे 115 दिन चलना? कठिन थे, और मैं कठिन हम जैसे लोगों के लिए भी थे, राहुल के लिए रहे ही होंगे, और ये तो मैं ये भी जानता हूँ, पहले 8-10 दिन के बाद ही उनसे बात हो रही थी, उनको घुटने में समस्या थी जिस पे बहुत चर्चा नहीं हुई, और अच्छा है कि चर्चा नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों पर, कुछ एक मसल प्रॉब्लम थी। तो काफ़ी कष्ट से उन्होंने काफ़ी दिन गुजारे, और आप ध्यान से देखें तो हल्का सा लिम्प उनके चलने में आपको दिखाई देगा, वो भी था। और उसके बाद ये जो एक रिगर होती है ना, सिर्फ चलना, देखिए सिर्फ चलना नहीं है, चलते हुए आपको हर दिन कोई 100 लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, बातें सुनना, फिर दोपहर को भी, जिसके लिए इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं, दोपहर को डेलीगेशन आता है, वो सब सुनना, और उस सब के बाद आप अपना एक एक कूल बना के रखें। मुझे एक चीज़ राहुल ने इंटरेस्ट की इस यात्रा में, मैं उनको सार्वजनिक रूप से बहुत इन चीज़ों में जानता नहीं था, कि एक जो उन्होंने टेम्परामेंट शो किया है,
मैंने इस सब में एक बार भी राहुल को परेशान होते नहीं देखा। अरे क्यों, मैं सच बात है मैं परेशान दो चार बार हो गया कि यार सेल्फी से मुक्त करो। आप तो होते ही होगे रोज। मैं तो अभी हो गया कि मैं चला आया कि मुझे छोड़ दीजिए सेल्फी से, काम कब करेंगे। मैंने राहुल को एक बार ये कहते नहीं सुना कि भैया सेल्फी नहीं, बस अब तंग हो गया, अरे यार माफ कर दो, ये कहते नहीं सुना। ये जो टेम्परामेंट है ये, और दूसरा इस यात्रा में कहते हैं अजीब लगता है, एक उनके व्यक्तित्व का जो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है, धार्मिक नहीं है वो सब, एक कहीं जो एक दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष है कि अब जो मेरे साथ हो रहा है उसको मैं थोड़ा सा दूर मानो दीवार पे बैठ के अपने आप को देख रहा हूँ, उस तरह से उन्होंने इसको निकाला है। तो एक टेम्परामेंट और दूसरा ये जो जीवट है हर रोज। पर योगिन जी सबने छुट्टी छोटी मोटी ली होगी, 5 मिनट की 10 मिनट की 2 दिन की 10 दिन की। राहुल गांधी ने 1 दिन 1 घंटे आधा घंटे की छुट्टी नहीं ली। पर योगिन जी अभी तक जो पिछले 8 साल में देखा गया कि जहां जहां बीजेपी ने जब जब वैचारिक चुनौती सामने खड़ी की कांग्रेस के, कांग्रेस भागती हुई नजर आई। भले ही हम उस विचारधारा को किसी रूप में परिभाषित करें, लेकिन जब वो धर्म को आगे कर देती है तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस के पास अब कोई भाषा नहीं है, तो कांग्रेस फिर उन्हीं की तरह कभी बनती हुई नज़र चली आती थी। और जैसे धारा 370 है तो कांग्रेस के किसी नेता का कोई प्रमुख भाषण भी ध्यान में नहीं आता है कि धारा 370 को लेकर कांग्रेस की क्या राय है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के भीतर वैचारिक सफाई भी हुई है इन यात्राओं के दौरान, या फिर अभी भी कांग्रेस इन मामलों में, देखिए 8 साल तक नेहरू को डिफेंड नहीं कर पाई जिस अनुपात में नेहरू पर हमला हुआ था। फिर ये बहुत बड़ी दावा होगा, मैं छोटी बात कहूँगा, क्योंकि ये सब एक संक्रमण है, बदलाव है, और हम उसके बहुत अभी शुरुआती बिंदु पे खड़े हैं। ये कहना कि कांग्रेस में वैचारिक बदलाव हो गया ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन और जब नहीं होता था मुझ जैसे लोग बेहद परेशान होते थे। मैंने तो झक्के मार के ये भी कह दिया था डूब मरो, इससे तो अच्छा ये नहीं कर सकते तो। लेकिन एक बात तय है कि पहली बार बहुत दिनों बाद इस देश में मुख्य धारा का कोई नेता मंच से आरएसएस का नाम लेके, सावरकर की वाफियों का जिक्र करके और इस विचारधारा को खुल के मंच से चुनौती दे रहा है। मंच से अडानी अंबानी का नाम लेने की कितने विपक्षी नेताओं की हिम्मत है मैं देखना चाहता हूँ, वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो हो रहा है, और ये किसी कोने में खुसर पुसर करके नहीं हो रहा, ये मंच से हो रहा है, मंच से हो रहा है। 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं, 21वीं सुनो 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। सेक्युलरिज्म को और इकोनॉमिक जस्टिस, जो इस देश के दो मूल मंत्र हैं, उन दोनों को मंच से खड़ा होके बोला जा रहा है। तो इसका अंतिम व्यक्ति भी ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां भी माना जाता था कि लोग एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाले लोग हैं और इस तरह वो रास्ता अपनाने वाले लोग, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं वो कोई संगठन नहीं रहा है, वो एक दरी है। उस दरी पे घमासान चलता रहता है, उस दरी में दक्षिणपंथी लोग भी रहे हैं, वामपंथी लोग भी रहे हैं, लेकिन सबके लिए एक जगह रही है। अगर कांग्रेस वापस वही जगह बन जाती है जहां अलग अलग तरह के विचार, जो देश विरोधी विचार हैं वो नहीं, लेकिन देश के पक्ष के जो विचार हैं उनमें अलग अलग शेड्स कांग्रेस में मौजूद रहें, तो फिर तो हम आज़ादी से पहले वाली उस कांग्रेस में आ गए ना, जिसमें सी राजगोपालाचारी भी थे, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत भी थे, लेकिन नरेंद्र देव भी थे, लोहिया भी थे, जयप्रकाश भी थे, और एक जमाने में एम एस नमूद्रीपाद भी। नरेंद्र मोहन देव कह दीजिए आप, पूरा नहीं तो पता चला कि आप किसी और का नरेंद्र देव, नरेंद्र देव, सॉरी नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र, आचार्य नरेंद्र, आचार्य नरेंद्र देव, एम एस नमूद्रीपाद भी थे उसी कांग्रेस में एक जमाने में। तो अगर कांग्रेस वो बन जाए, मैं नहीं, ये हमें मान के नहीं चलना चाहिए कि देश की कोई भी बड़ी पार्टी केवल एक चाल पे चलने वाली बनेगी, वो बड़ी खतरनाक पार्टियां होती हैं। पार्टियों के भीतर डिफरेंसेस रहें, वैचारिक द्वंद्व रहे, खींचतान रहे, लेकिन खींचतान की मर्यादा रहे, यानी कि उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप शुरुआत देख रहे हैं, आप शुरुआत देख रहे हैं इस प्रक्रिया की, शुरुआत मंथन की शुरुआत, बहुत बड़े बदलाव। तो देश करवट ले, उससे पहले देश में करवट देने वाला खुद करवट ले।
उसकी शुरुआत में देख रहा हूँ। ये जो आपने कहा कि जो देश को करवट देने वाला खुद करवट ले, तो जो बात है कि अगर आप विकल्प बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर विकल्प बनना पड़ता है कि आप किस तरह का विकल्प बनना चाहते हैं। और इस यात्रा तो इसमें कांग्रेस पिछले 8 साल की तुलना में कई बार कोशिश की, कई तरह के आइडिया पे काम करती रही, तो कई बार लगता था कि ये मैनेजर आया है, ये आइडिया दे दिया है तो इस तरफ ले गया है, फिर ये मैनेजर आया है जो उस तरफ लेके जा रहा है। आपको लगता है कि ये मैनेजर ड्रिवन, मैनेजर के प्रबंधकों द्वारा जो बाजार में आजकल चलते हैं ग्रुप बना के कंपनी खोल के, उनके द्वारा ये एक तरह से प्रेरित यात्रा नहीं है? इसमें कोई मैनेजर नहीं, इसका मैनेजर एक है जिसका नाम है राहुल गांधी, जिसको कांग्रेस अपना नेता मानती है। तो अगर नेता द्वारा ड्रिवन हो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि पार्टी उसके साथ अलाइन होती है। और इस यात्रा में देखिए, और कुछ बाकी बहुत बड़े बड़े दावे करना होता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को कार्य मिल गया है, कांग्रेस के छोटे नेता को अपने बड़े नेता में श्रद्धा पैदा हुई है, कांग्रेस के नेताओं में आत्मविश्वास आया है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि बीजेपी का मुकाबला करने की इस देश में आज जो सबसे बड़ा औजार उपलब्ध है, इतिहास ने आप औजार अपने आप चूज नहीं कर सकते, जो उपलब्ध है वो औजार आज अपने पाँव पे खड़ा होने को तैयार हो रहा है। और कांग्रेस के दायरे के बाहर दो असर हुए हैं, एक ये कि जो भाजपा विरोधी हैं लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं है, हम जैसे उन्हें आज कांग्रेस के साथ चलने में शर्म महसूस नहीं होती, उन्हें लग रहा है कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे। और जो बीजेपी की तरफ झुके हुए लोग थे वो पलट गए हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन उनके मन में राहुल गांधी की छवि के प्रति परिवर्तन आया और वो नाटकीय परिवर्तन हुआ है। और ये अपने आप में एक बुनियाद बनाता है। मैं फिर कहूँगा 30 जनवरी को अगर रजाई ओढ़ के सो गए तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। 30 जनवरी के बाद अगर काम शुरू किया, क्योंकि देखिए इस यात्रा ने केवल हल चलाया है, अब कोई सोचे कि हल चल गया फसल अपने आप आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई बीज डालेगा, कोई पानी देगा, कोई देखभाल करेगा, ये तो करना पड़ेगा। ये अगर होगा तो इस यात्रा ने हल चलाने का काम कर। तो ये एक बात आपसे निकल के आई कि जो मैं आने से पहले बहुत सारे जो कवरेज क्लास है, कमेंटेटर क्लास है, उनके लेखों को पढ़ रहा था, तो बहुत फाइनल जजमेंट दे रहे थे, पर आप उस फाइनल जजमेंट से ज़्यादा बिगनिंग के प्रोसेस में, मतलब तो शुरुआत की प्रक्रियाओं में ज़्यादा दिलचस्पी है, वहाँ आपकी नज़र बहुत लंबा काम लंबा है। जिन्होंने पिछले 2 टर्म में जितना जहर बोया है उसको निकालने में, जहर को डिटॉक्सिफिकेशन करने में 2 पीढ़ियाँ लग जाएंगी, लंबा काम है, लेकिन उसकी शुरुआत है। बहुत टाइम बाद एक उम्मीद आ रही है कि हाँ लड़ा जा सकता है, लड़ा जा सकता है। और 2024 एक खुली हुई, अभी भी एक ओपन इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र। तो हम बात कर रहे थे योगेंद्र यादव से, जो कांग्रेस की यात्रा के साथ, भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं, कांग्रेस के आलोचक रहे हैं, और इस यात्रा में रहते हुए भी वो उस यात्रा को बहुत ज़्यादा महिमामंडन भी नहीं कर रहे हैं, मगर उसके शुरुआती असर को देख रहे हैं। और योगेंद्र ने उसके बारे में बताया कि देश की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी किस तरह से अपना पुनर्निर्माण कर रही है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।